हे गाइस, वेलकम टू द चैनल स्काईलाइट एजुकेशन हब। गाइस, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास सिक्स का एनसीईआरटी साइंस का चैप्टर नंबर 3, दैट इज फाइबर टू फैब्रिक। ओके, तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ इसकी बेसिक टर्म्स हैं उसके बारे में बात करते हैं, जिसमें बच्चे बहुत ही ज्यादा कन्फ्यूज होते हैं। तो सबसे पहले आपका आता है फाइबर, उसके बाद आता है आपका यार्न, और फिर आता है फैब्रिक। जिस तरीके से हमारी बॉडी की जो बेसिक स्ट्रक्चर होती है, स्ट्रक्चर यूनिट होती है, वो सेल होती है, उसी तरीके से किसी भी फैब्रिक को बनाने के लिए जो बेसिक यूनिट होती है उसकी, वो फाइबर होती है। क्लियर है? तो सबसे छोटा होता है आपका फाइबर, फाइबर से मिलके बनता है यार्न, यार्न से मिलके बनता है क्या, फैब्रिक। ठीक है, तो बेसिक हो गया आपका फाइबर। ओके, फाइबर से आप यार्न बनाएंगे और फिर यार्न से आपका क्या बनता है, फैब्रिक बनता है। तो इसके बारे में अगर हम डेली लाइफ में एग्जांपल देखें तो यार्न क्या होता है, जैसे रील होती है, ठीक है, जिससे हम कपड़े सिलाई करते हैं, रील का जो धागा होता है उसको कभी ओपन करके देखना, उस धागे के अंदर ना पतले पतले थ्रेड होते हैं। ठीक है, पतले पतले जो थ्रेड होते हैं उन्हीं को हम फाइबर कहते हैं। तो वो जो पतले पतले थ्रेड ज्वाइन होते हैं आपस में, उन वो क्या बना देते हैं, एक यार्न बना लेते हैं, और फिर वो यार्न आपस में मिलके क्या बना देते हैं, फैब्रिक बना लेते हैं। क्लियर है? तो ये आपका फाइबर, यार्न और फैब्रिक होता है, यानी कि बेसिक हो गया आपका फाइबर, फाइबर से मिलके यार्न बनता है और यार्न से मिलके क्या बनता है, फैब्रिक बनता है। ओके, अब देखो फाइबर जो है आपका टू टाइप्स का होता है। फाइबर कितने टाइप का होता है, टू टाइप का। सबसे पहला टाइप होता है आपका नेचुरल फाइबर, दूसरा होता है सिंथेटिक फाइबर। ठीक है, नेचुरल फाइबर और सिंथेटिक फाइबर क्या होता है, नेचुरल फाइबर मतलब जो ऑलरेडी नेचर में एग्जिस्ट करता है, जिसको हमने नहीं बनाया, हमारा कोई रोल नहीं है, सीधा भाई नेचर में बना हुआ है और हमने उसको यूज कर लिया, दैट इज कॉल्ड नेचुरल फाइबर। ठीक है, जो हमें प्लांट से मिलता है, तो नेचुरल फाइबर हमें किस किस से मिलता है, प्लांट से मिलता है और एनिमल से मिलता है। ठीक है, मैंने क्या बोला, फाइबर दो टाइप का होता है, नेचुरल और सिंथेटिक। नेचुरल भी फर्दर आप किस किस से मिलता है आपको, प्लांट से मिलता है और एनिमल से मिलता है। फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं इसमें, वूल हो गया, कॉटन हो गया, जूट हो गया, ठीक है, कोकोनट की जो ऊपर की स्किन होती है, मतलब छिलका होता है उसका, वो हो गया। तो ये सारे क्या होते हैं, आपके नेचुरल फाइबर होते हैं। सिंथेटिक फाइबर जो होते हैं उनको हम मैन मेड फाइबर भी बोलते हैं, क्योंकि उसमें ह्यूमन क्या करता है, नेचुरल सॉरी केमिकल रिएक्शन करके नई चीजों का बनाता, नई चीजों को बनाता है। ठीक है, तो मैन मेड होते हैं ये सिंथेटिक फाइबर, जिसमें आपका आता है, हम बात करते हैं पॉलिस्टर कह सकते हैं, नायलॉन कह सकते हैं, ठीक है, एक्रिलिक कह सकते हैं, रेयन कह सकते हैं, ठीक है, और भी बहुत सारे होते हैं। जैसे अगर हम इसके एग्जांपल देखें पॉलिस्टर सिंथेटिक फाइबर में, तो आपके अम्ब्रेला वगैरह बने होते हैं, इसकी अम्ब्रेला हो गई, सॉक्स हो गई, आपकी सॉक्स कैसी होती है, वूल की भी होती है, सिंथेटिक में भी आती है, कॉटन में भी आती है। ठीक है, इसके अलावा स्पोर्ट्स शूज हो गए आपके, पैराशूट्स का जो कपड़ा होता है वो हो गया, तो वो सारे क्या होते हैं, सिंथेटिक फाइबर होते हैं। नेचुरल फाइबर में वूल की हम स्वेटर वगैरह डालते हैं सर्दियों में, ठीक है, जूट से की रस्सियां वगैरह बनाते हैं, कॉटन से हम कॉटन के कपड़े पहनते हैं, वूल के कपड़े भी पहनते हैं, कोकोनट की क्या होती है, रस्सियां वगैरह बनती है। ठीक है, तो फाइबर आपका दो टाइप का है, नेचुरल फाइबर सिंथेटिक। नेचुरल फाइबर आपको प्लांट से मिलता है और एनिमल से मिलता है। ठीक है, कुछ एग्जांपल है उसके, वूल हो गया, कॉटन हो गया, जूट हो गया, कोकोनट हो गया, इसके अलावा सिल्क भी है इसमें, एक सिल्क है जो कि सिल्क वॉर्म से मिलता है हमें। ठीक है, सिल्क कहां से मिलता है हमें, सिल्क वॉर्म से मिलता है। सिंथेटिक फाइबर आपको मैन मेड भी फाइबर भी कहते हैं, इसको पॉलिस्टर हो गया, नायलॉन हो गया, एक्रेलिक रेयन हो गया। ठीक है, तो ये सारे आपके क्या है, सिंथेटिक फाइबर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इसके अंदर आपके कुछ प्लांट फाइबर के बारे में बता रखा है। ठीक है, तो सबसे पहले प्लांट फाइबर बता रखा है कॉटन। तो कॉटन के बारे में बताया हुआ है भाई, हमें ये कहां से मिलता है, किस टाइप का एनवायरमेंट चाहिए होता है इसको बनने के लिए, तो ये सारी चीजें इस कॉटन के बारे में बताई हुई है। तो सबसे पहले तो जान लेते हैं कॉटन के लिए जो सॉइल चाहिए होती है, ब्लैक सॉइल चाहिए होती है। कॉटन कैसी सॉइल में मिलता है हमें, ब्लैक सॉइल में। ठीक है, कॉटन को जो हम उगा सकते हैं, कॉटन की खेती की जाती है काफी बड़े अमाउंट में, तो कॉटन को जो हम उगा सकते हैं उसके लिए सॉइल कैसी होनी चाहिए, ब्लैक होनी चाहिए, और जो मौसम होना चाहिए थोड़ा सा मतलब गर्म होना चाहिए। ठीक है,
जिसको हम कहेंगे कि क्लाइमेट जो होगा वो वार्म क्लाइमेट चाहिए आपको, ठीक है। क्योंकि कॉटन एक प्लांट होता है, तो इसमें प्लांट का कौन सा पार्ट यूज करते हैं हम, फ्रूट को यूज करते हैं। जब कॉटन की जो खेती करते हैं ना, तो कॉटन की ऊपर जो फ्लावर आता है, फ्लावर के अंदर से एक व्हाइट व्हाइट से कलर का निकलता है जो, जिसको हम कॉटन कहते हैं। पहले वो ग्रीन कलर का होता है, फिर वो सूख जाता है, तो वो सूखने के बाद क्या होता है कि हट जाता है, अलग हो जाती है, और फिर नीचे से लेमन साइज के जो बॉल से होते हैं उनको हम प्लक करते हैं, ठीक है, उसी को हम कॉटन कहते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इसी के अंदर एक प्रोसेस होती है गिनिंग, ठीक है। गिनिंग क्या प्रोसेस होती है, गिनिंग क्या प्रोसेस होती है, जो हम कॉटन बॉल को कलेक्ट करते हैं, ठीक है, बहुत सारी कॉटन बॉल हमने कलेक्ट कर ली, उन कॉटन बॉल को क्या करते हैं, हम कॉम्बिंग करते हैं, ठीक है। कॉटन बॉल्स को इकट्ठा करके हमने उसमें कॉम्बिंग की। कॉम्बिंग करने से क्या होता है, उसके अंदर जो बीज होता है या फिर जो वेस्ट पार्ट होता है वो निकल जाता है, और जो कॉटन कॉटन होती है वो कलेक्ट रह जाती है, ठीक है, इकट्ठी हो जाती है। तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, गिनिंग कहते हैं। तो गिनिंग क्या प्रोसेस होती है, कॉटन को एक साथ यानी कि कलेक्ट करने की एक प्रोसेस होती है जो हम कॉम्बिंग करके करते हैं, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम जूट की, ठीक है। तो जो जूट है, जूट का क्या है, कौन सा पार्ट यूज करते हैं, जूट क्योंकि एक प्लांट होता है तो इसका हम स्टेम वाला जो पार्ट है उसको हम यूज करते हैं, ठीक है। स्टेम को हम इसमें यूज करते हैं, इसको जो कल्टीवेट किया जाता है उसको हम रेनी सीजन में कल्टीवेट करते हैं, ठीक है, स्टेम में यूज करते हैं। और जब मतलब उस स्टेम को हम कब तोड़ते हैं, तो जब उसके ऊपर फ्लावर आने लगता है, ठीक है, उसके ऊपर जब फ्लावर आने लगता है तो हम उसका जो स्टेम वाला पार्ट है उसको अलग कर देते हैं। और ये जो चीज प्रोसेस होती है ना, वो हमेशा हैंड्स हाथ से ही की जाती है, मशीनों का बहुत कम यूज किया जाता है इसमें, क्योंकि अगर मशीनों का यूज करते हैं तो खाली मतलब काफी जो फ्लावर वाला पार्ट है वो भी इन्वॉल्व हो जाता है, बट मोस्टली यूज किया जाता है कि भाई हाथ से यूज किया। वैसे तो मशीनें आजकल काफी चल गई हैं, तो उनसे भी कर सकते हैं हम, ठीक है। और जो मेनली ये क्रॉप का प्रोडक्शन किया जाता है, ये किया जाता है आपका असम में, वेस्ट बंगाल में, बिहार में, ठीक है। तो इन जगहों पे इसकी खेती की जाती है। क्लियर है। आगे हम बात करते हैं स्पिनिंग क्या होती है। स्पिनिंग एक प्रोसेस होती है जिसमें हम क्या करते हैं, फाइबर से यार्न बनाते हैं, ठीक है। फाइबर से क्या, फाइबर से यार्न बनाने की प्रोसेस होती है जिसको हम क्या कहते हैं, स्पिनिंग कहते हैं, ठीक है। तो स्पिनिंग के अंदर क्या होता है, जैसे छोटे छोटे पतले पतले थ्रेड होते हैं उनको कलेक्ट किया जाता है, उनको ज्वाइन कर दिया जाता है, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक चढ़ा दिया जाता है, ठीक है। तो मीन्स कह सकते हैं हम उसको ट्विस्ट कर लिया जाता है, तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड स्पिनिंग। क्लियर है। अब हम यार्न से अगर हमें यार्न से फैब्रिक बनाना है, देखो हमने स्पिनिंग से क्या स्पिनिंग प्रोसेस से फाइबर से यार्न बनाया, अब मुझे यार्न से फैब्रिक बनाना है तो इसके लिए मुझे दो प्रोसेस चाहिए होती है, एक होती है वीविंग, दूसरी होती है निटिंग, ठीक है। वीविंग क्या प्रोसेस होती है, वीविंग के अंदर एक के ऊपर एक मल्टी कलर के भी हो सकते हैं और वो सेम कलर के भी हो सकते हैं। मान लिया मुझे मैट को बनाना है इस तरीके से, मैट इसके ऊपर दूसरा धागा चढ़ा दिया मैंने, ठीक है, मीन्स ये एक मैंने फैब्रिक वो ले लिया, ये एक यार्न ले लिया, फिर ये दूसरा एक टाइप का यार्न ये ले लिया, इसको आपस में ज्वाइन कर दिया इस तरीके से, ठीक है। तो एक के ऊपर एक स्टेप बाय स्टेप जो इसमें इसको यार्न को अरेंज किया जाता है, स्टेप बाय स्टेप इसमें अरेंजमेंट की जाती है यार्न की, ठीक है। नेक्स्ट होती है आपकी निटिंग। निटिंग क्या होती है, बुनना, ठीक है, सबने देखी है भाई, ये तो नॉर्मल घरों में भी हम यूज करते हैं, ठीक है। निटिंग क्या प्रोसेस होती है, बुनना, भाई जैसे स्वेटर वगैरह बुनते हैं, कारपेट वगैरह बनाते हैं, तो बुनने की मीन्स जो प्रोसेस होते हैं दैट इज कॉल्ड निटिंग, ठीक है। निटिंग क्या होती है, निटिंग इज अ प्रोसेस जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, किसी भी चीज को बुन बुन के, जैसे स्वेटर होता है, स्वेटर के लिए हमें क्या चाहिए होता है, एक फाइबर ही यार्न चाहिए होता है, वूलन का यार्न चाहिए होता है। अब वो यार्न भी हमारा क्या होता है, अगर उस यार्न को ओपन करके देखोगे तो वो ट्विस्टेड होता है, ठीक है। तो वो जो ट्विस्टेड पार्ट है, ट्विस्टेड पार्ट को अलग अलग किया तो वो फाइबर होता है उसके अंदर। तो फाइबर से आपने यार्न बनाया, यार्न से फिर आप क्या बनाओगे, फैब्रिक बनाओगे। तो इसके लिए दो प्रोसेस है, आपके वीविंग हो गया, निटिंग हो गया। वीविंग मैंने बताया कि स्टेप बाय स्टेप अरेंज किया जाता है इसको एक साथ, और बुनना निटिंग होता है आपका बुनना, जिसको हम बुन के और एक पूरा का पूरा फैब्रिक तैयार कर लेते हैं। क्लियर है। जो वीविंग की जो प्रोसेस है मेनली हैंडलूम से की जाती है। लूम होते हैं ये, क्या होता है लूम, एक मीन्स इस टाइप से
कुछ भी दो उसके वुड के पीसेस ले लिए और उसके ऊपर हमने इस तरीके से थ्रेड को बिछाया जाता है और इसके ऊपर ऐसे 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 बुनते जाते हैं, फिर कॉम्बिंग करके उसको पीछे पीछे करते जाते हैं और फिर वो टाइट। पुराने जमाने में इस तरीके से दरी बनाई जाती थी, ठीक है, तो वो प्रोसेस भी वीविंग में ही आता है, ठीक है। तो अगर इन शॉर्ट हम देखें तो सबसे पहले हमने क्या लिया भाई, मुझे अगर कोई भी यार्न बनाना है तो सबसे पहले मैंने कॉटन लिया, ठीक है। कॉटन की मैंने क्या की, कॉटन रोल्स को मैंने क्या किया, गिनिंग की। गिनिंग करने से क्या हो गई, वो कॉटन इकट्ठी हो गई। अब इकट्ठी हो गई तो क्या, मैंने पतले पतले उसके थ्रेड बना लिए, फाइबर बना लिया। अब उस फाइबर को मैंने क्या कर दी, स्पिनिंग कर दी, ठीक है। फाइबर को मैंने क्या कर दिया, स्पिनिंग कर दिया। स्पिनिंग करने की वजह से मेरा क्या बन गया, वो यार्न बन गया, ठीक है। स्पिनिंग से क्या बन गया, यार्न बन गया। अब यार्न से अगर मुझे फैब्रिक बनाना है तो इसके लिए हमने दो प्रोसेस यूज की, दैट वीविंग एंड निटिंग, और इन दोनों को यूज करके मैंने क्या बना लिया, फैब्रिक बना लिया। एंड दैट्स इट इन शॉर्ट आपका ये जो चैप्टर है, ठीक है। अगर हम शॉर्ट में कहें तो हमने इस चैप्टर के अंदर सिर्फ यही चीज पढ़ा है, ठीक है। तो गाइज यही था आपका चैप्टर 3। अगर हम इसकी इंपॉर्टेंट टर्म्स की बात करें तो यही होगी कि कॉटन वूल क्या होता है। कॉटन वूल आपकी वही होगी जो आपने कॉटन फ्लावर को प्लक किया है। फैब्रिक क्या हो गया, फाइबर से मिलके फैब्रिक बनता है। फाइबर से पहले यार्न बनता है, उसके बाद फैब्रिक बनता है। फाइबर क्या होता है, स्मॉलेस्ट यूनिट होती है फैब्रिक की। नेटिंग क्या होती है, बुनना एक प्रोसेस होती है। स्पिनिंग क्या होती है, स्पिनिंग के थ्रू हम क्या करते हैं, यार्न बनाते हैं। वीविंग प्रोसेस होती है जिससे फैब्रिक बनता है। यार्न क्या होता है, यार्न एक थ्रेड होता है जो फाइबर से मिलकर बनता है, ओके। तो गाइज ये था आपका चैप्टर नंबर 3, फाइबर टू फैब्रिक, ठीक है। अगर आपको चैप्टर समझ आया तो प्लीज इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और कोई भी डाउट है तो प्लीज आप मुझे कमेंट सेशन में पूछ सकते हैं। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच।